हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे IUI की। तो देखिए, जिस दिन IUI होता है उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस दिन आपका IUI होता है उससे पहले आपको अपनी पूरी ग्रूमिंग करा लेनी है, अगर आप कराना चाहते हैं, जैसे कि फेशियल है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, आपको मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी चीज़ है। क्योंकि उसके बाद IUI होने के बाद 15 दिन कम से कम आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए बाहर पार्लर में, क्योंकि अनहाइजीनिक होता है, कुछ आपको पता नहीं है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करवानी है और कोई भी केमिकल आपकी बॉडी पर नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें पहले ही आपको करा लेनी है। इसके अलावा आपको हेड वॉश भी आप अगर एक दिन पहले कर सकते हैं तो एक दिन पहले कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी दिन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि कुछ लोगों का जिनका ये मानना है कि हम हेड वॉश नहीं करेंगे एक हफ्ते तक, तो ऐसे लोग खासकर उसी दिन या फिर एक दिन पहले आप हेड वॉश कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर जब आपका IUI हो जाएगा तो आपको भारी सामान नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना है। तो ऐसे में अगर आपको अपने गर्मी सर्दी के कपड़ों को रखना है अंदर और बाहर निकालना है, आपको गर्मी के कपड़े या सर्दी के कपड़े बाहर निकालने हैं, तो वो काम आप पहले ही करके रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है आपको भारी काम नहीं करना है और पॉजिटिव आने के बाद भी आपको भारी काम नहीं करना होगा। तो जो भी आपको अपनी प्रेगनेंसी की इनफैक्ट तैयारी है या कपड़ों की तैयारी है या कोई मार्केट से आपको सामान लेकर आना है या कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि सामान की शिफ्टिंग करनी है, तो आप ये सब चीज़ें अपनी पहले ही करके रखेंगे। IUI के बाद ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई आपको अगर हेल्पर की ज़रूरत होगी, अगर आप अकेले रहते हैं तो आप हेल्पर का जो है अरेंजमेंट भी पहले ही करके रखेंगे, क्योंकि जस्ट IUI के होने के बाद आपको जो है ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते। अगर आपको बेड रेस्ट डॉक्टर बताएंगे तो आपको बेड रेस्ट करेंगे, तो सारा काम भी उसके लिए भी आपको कोई हेल्पर की ज़रूरत होगी, तो आपको उसी तरीके से अपना जो है शेड्यूल करना है। इसके अलावा दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर ने दी है वो आपको टाइम से लेती रहना है। कोई भी इंजेक्शन अगर आपको बताया है उसको आपको बिल्कुल टाइम से लेकर जाना है। अगर आपको अगली डोज आपकी शाम की है जिस दिन IUI होना है, तो उस दिन भी आपको अपने दवाइयाँ लेकर जाएंगे साथ में, और आपको अपने जो है कैश भी लेकर जाएंगे, क्योंकि पूरी पेमेंट आपको उसी दिन करनी होती है IUI की, और उसी दिन आपके हस्बैंड का स्पर्म वॉश करके आपका IUI होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको हेल्दी डाइट आपको शुरू से ही लेनी है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे आपका ट्रीटमेंट होता है आपको डाइट पर सबसे पहले ध्यान देना होता है, तो उस दिन भी आप हल्का खाना खाकर जाएंगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसमें कि अजीनोमोटो देखिए आपको चाइनीज़ खाने में मिलता है, तो आपको उस दिन के बाद जैसे ये होता है तो अजीनोमोटो नहीं खाना होता। तो आप अपना खाना पैक करा कर भी ले जा सकती हैं, जो साथ में आपके साथ कोई भी आपके रिलेटिव जाएंगे उनका भी आप खाना पैक करा सकती हैं या अरेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में भीड़ मिल सकती है। इसके अलावा जब आप जाएंगे IUI करवाने, तो उस दिन आपको जो है ट्रैफिक मिल सकता है, तो IUI के आपको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिक होना पड़ता है, तो आप उसी हिसाब से आप थोड़ा सा पहले चलेंगे, क्योंकि मे बी अगर आपको ट्रैफिक भी मिले तो आप टाइम से हॉस्पिटल पहुँच सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपने सारे पेपर्स लेकर जाएंगे जितने भी अब तक के चल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और जिस दिन आपका IUI होगा उस दिन आपको ज्वेलरी नहीं पहन कर जानी है, अपने बालों को अच्छे से टाई करके जाना है, बांध कर जाना है, खुले बाल ना रखें, कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले पहने, कोई भी टाइट कपड़े, टाइट फिटिंग कपड़े और हील वाले सैंडल ना पहने, और हो सके तो कॉटन के कपड़े अगर गर्मियाँ हैं तो पहन सकते हैं और सर्दियाँ हैं तो अकॉर्डिंगली उसी तरीके से कपड़े पहने, और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े आप ना पहने, क्योंकि उससे आपको थोड़ी